हेलो बर्ड लवर्स, आज बहुत ही दिनों के बाद एक फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मुझे फिर शेयर आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मुखी और जैकोबिन का क्रॉस करवाने जा रहे हैं। इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि जब मैं आपको 25 डेज ओल्ड या 30 डेज ओल्ड के चिक्स से खाता हूँ तो उसमें अभी आपको रिजल्ट इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में होता है और अभी वो कलर्स फुली डेवलप नहीं हुए होते, शेप्स फुली डेवलप नहीं हुई होती। लेकिन जब मैं आपको 3 मंथ्स 4 मंथ्स ओल्ड, क्योंकि मैं आपको चिक्स की पूरी डेवलपमेंट आपको साथ में इस वीडियो में शो करूँगा, तो आप अगर एंड तक देखेंगे तो आप उसको देख सकते हैं क्लियरली। जब वो फुली एडल्ट हो जाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं ज़्यादा क्लियर रिजल्ट कि क्या रिजल्ट निकला है, और इसके कौन से फीचर्स इसको अपनी माँ की तरफ यानी कि मुखी की तरफ से मिले हैं, और कौन से फीचर्स इसको अपने बाप से यानी कि जैकोबिन से मिले। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये जेट ब्लैक मुखी हैन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह फुली एस कर्व्ड शेप। अगर आप मुखी की क्वालिटी पर चाहते हैं कि मैं एक अलग से वीडियो डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो इम्पोर्टेड मुखी हैं उनकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। ब्रीफली बताऊँ तो इसकी जो शेप जो है वो एस शेप्ड होने चाहिए, और नेक इसकी स्विंग करनी चाहिए बहुत अच्छे से, और आगे से इसकी जो चेस्ट है फुल गोलाई में होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये एक अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन इसमें फिर भी स्टिल फुली पॉइंट्स इसके पूरे नहीं है। इसमें जो इसकी चोंच के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इतना बड़ा भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाएँ तो ऑब्वियसली ये एक बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है पीस। एनीवेज, मुखी की क्वालिटी पॉइंट्स के ऊपर हम एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ये माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत और एक स्मॉल साइज़ बर्ड है, और इसका जो मुखी का जो साइज़ होता है वो भी इसके क्वालिटी पॉइंट्स में कंसीडर किया जाता है, जितना ये छोटा आना चाहिए। ये रेड जैकोबिन कॉक यानी कि मेल है, 2021 का यंग, बिल्कुल ये यंग रिंग बर्ड है, और इसमें मोल्ट भी है अभी, इसलिए आप इसकी क्वालिटी का इतने ठीक से इसको आइडिया नहीं कर सकते। और आई होप कि जब इसका मोल्ट कम्प्लीट होगा तो जैसे कि इसके कुछ बैक साइड के जो इसका हुड है, जो पीछे से क्लोज नहीं लग रहा आपको, वो इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा, और स्टिल इट इज़ क्वाइट अ गुड क्वालिटी। अच्छा, इसमें जो अब एक पॉइंट नोटिस करें कि जैकोबिन बड़े साइज़ का है और मुखी जो है वो छोटे साइज़ का बर्ड है, और अब देखते हैं कि रिजल्ट इसके किस तरह से आते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों के जो फेसेस हैं वो वाइट हैं और बाकी उनकी बॉडी जो है वो कलर्ड है, ये इनका एक कॉमन पॉइंट है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी चॉइस है इनका क्रॉस ब्रीडिंग की। सो फाइनली व्यूअर्स, रिजल्ट आपके सामने है। ये जस्ट 25 to 30 डेज ओल्ड चिक्स हैं और अभी जस्ट सेल्फ हुए में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पीस ऐश रेड कलर में है और दूसरा ऐश येलो कलर में, जबकि इनके पेरेंट्स रेड और जेट ब्लैक कलर्स में थे। और इसमें आप एक दूसरी चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, कि जो इसमें एक पीस है वो स्मॉल साइज़ का है और एक लार्ज साइज़ का है। जैसा कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से अब एक का साइज़ अपनी माँ पे गया है, मुक्की पे, छोटे साइज़ का बर्ड है जो ऐश येलो कलर में है, और ऐश रेड वाला जो है वो अपने बाप के ऊपर गया जैकोबिन पे और बड़े साइज़ में है। जैसा कि अभी ये जस्ट 25 to 30 डेज ओल्ड सेल्फ चिक्स हैं और अभी डेवलपमेंट में है, इसलिए अभी इनका इतने कलर्स डेवलप नहीं हुए ठीक से, ना ही इनकी शेप्स, और अभी इतनी इनमें खूबसूरती नहीं आ रही देखने में। लेकिन जैसे ये अपना डेवलप कर जाएंगे और इनकी आइज़ का कलर भी इम्प्रूव होंगे, ओवरऑल इनके कलर पिगमेंटेशन बेहतर होगी और स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बेहतर होगा, और ओवरऑल जब डेवलपमेंट होगी फिर असल इनका रिजल्ट देखने में आएगा, तो कि आगे जाके आप देख सकते हैं। तो फाइनली ये अब तीसरी चौथी गली में जा चुके हैं, 2 मंथ्स प्लस इनकी एज हो चुकी है, अभी स्टिल इनका मोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ और स्टिल अभी ये फर्दर अपना भी ये साइज़ और शेप और कलर्स डेवलप करेंगे, बट काफ़ी हद तक इन्होंने डेवलप कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पीस है रेड वाला, ऐश रेड वाला, इसमें एक और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, इसकी एक साइड की आई ब्लैक आई है और एक साइड की वाइट आई है, यानी कि ब्लैक इसकी मुखी से आई है और वाइट जैसा कि जैकोबिन की होती है वैसी वो इसकी जैकोबिन मेल से आई है। तो ये भी एक खूबसूरती में वैसे एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, जैसा कि आप देख सकते राइट साइड की आप आँख ब्लैक और लेफ्ट साइड की वाइट। अगर आप इसकी शेप पे गौर करें तो ये एक दरमियान की शेप आई है, यानी कि मुखी और जैकोबिन के एक दरमियान की शेप आई है। ऑन द अदर हैंड जो येलो ऐश येलो पीस है, इसमें इसकी दोनों आइस जैकोबिन की तरह की वाइट हैं, लेकिन अगर आप शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है वो मुखी से ज़्यादा मिलती है। और अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो इनकी सॉक्स थोड़ी सी डेवलप हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुखी में सॉक्स नहीं थी और जैकोबिन में थी, तो इनके चिक्स में एक वो स्लाइटली हल्की सी जो है वो आप सॉक्स देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस ब्रीड का हमें क्या नाम रखना चाहिए, जैकोबिन एक्स मुखी, सो क्या नाम होना चाहिए, मैकोजिन, जैकोबिन, जैकोबिन। ये ब्रीड जर्मन मॉन्क से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखती है, इसलिए
इस रिजेबलेंस की वजह से इसका नाम जो अभी तक हमने सोचा है वो पाकिस्तानी मॉन्क, पाकी मॉन्क हमने डिसाइड किया है। लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई बेटर सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको उस नाम से इस ब्रीड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि फैंसी विजन में एक ही चीज़ मैटर करती है और वो है खूबसूरती, और खूबसूरती में माशाल्लाह ये जो क्रॉस ब्रीड निकली है बहुत ही ज़बरदस्त निकली है। फ्रेंड्स, ये वाला पेयर तो ऑलरेडी बुक था, तो सिर्फ इसको मैंने वीडियो के लिए रोका हुआ था, लेकिन अपकमिंग जो, क्योंकि मैंने दो पेयर्स इस तरह के लगाए हुए हैं जो स्ट्रोक पैड्स हैं, तो इसलिए अपकमिंग अगर आप शिक्षा अगर आप कोई लेना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे इसको एडवांस बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने का मज़ा आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप खुद इतनी मेहनत करके देख लें, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन में इस ब्रीड का नेम सजेस्ट करना हरगिज ना भूलिएगा।